नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन वर्क हेल्प में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरटीएसएफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एसए वर्ल्ड के इस गोल्डन एज प्लान में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन किसका, जिसको भी आप अगर खुद से ज्वाइन करना चाहते हैं। समझ लीजिएगा, पहले अगर आप किसी का ज्वाइनिंग करना चाहते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, उसका रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप अपने माध्यम से खुद से जो है आप दूसरे का आईडी कैसे जो है रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे जो है जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि सबसे पहले यहां पे मैं दिखा देना चाहूंगा, ये जो है हमारे तो नहीं, स्पेशली मेरे भैया हैं, ठीक है, उन्होंने डिटेल भेजा हुआ है। तो इस डिटेल के माध्यम से जो है अगर कोई आपको डिटेल भेजता है, नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, तो आप उसका आईडी आप खुद से कैसे जो है क्रिएट कर सकते हो अपने माध्यम से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा वेबसाइट है इसमें विजिट कर लेते हैं। तो विजिट करने के लिए क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से आपको जो है यहाँ पे टाइप करना है www.saworld.in, या आप जो है saworld.in करके जो है आप टाइप कर सकते हो। अब जैसे ही ये टाइप करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला एसए वर्ल्ड वाला ये वाला जो है इसको आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो हमारा पोर्टल है, हमारा जो होम पेज है, यहाँ पे आप एंटर कर जाओगे। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर का, क्योंकि हमें रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना डिटेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो रेफर आईडी है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है आपका जो रेफर आईडी होता है, अगर आप चाहते हो दूसरे के नीचे ज्वाइन करना तो दूसरे का आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो अपना खुद का नीचे जो है उसको ज्वाइनिंग करना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रेफर आईडी डालना है। यहाँ पे मैं अपना रेफर आईडी डाल दे रहा हूँ। जैसे नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, रेफर आईडी और स्पॉन्सर नेम। तो यहाँ पे डालने के बाद इसके जो नीचे का जो स्लॉट है, यहाँ पे जो खाली है, योर जो है फुल नेम, और यहाँ पे कंट्री है, मोबाइल नंबर है, उस डिफाइंड पासवर्ड है, रीटाइप पासवर्ड है, और इसके बाद जो है ईमेल आईडी है, रीटाइप ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फटाफट फिल कर लेते हैं, लाइव ही फिल कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी कर सकते हो, ये जो है स्मॉल पे है तो इसको कैपिटल कर ले देता हूँ, आप स्मॉल पे भी डाल सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो है बैंक अकाउंट में जो नाम है वही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्री जो है इंडिया है, इंडिया के ही हैं, अदरवाइज अदर कंट्री होगा तो अदर डाल सकते हो। इसके बाद ये जो है मेरे भैया का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे इसको कट कर दिया हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, आप अपना हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हो, बाद में पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक जगह पे डाल दिया, इसके बाद रीटाइप पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे जो है जीमेल आईडी डालना है। अब मैं यहाँ पे जीमेल आईडी के ऊपर अगर थोड़ा सा बात कर लूँ, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप जीमेल आईडी डालोगे ना, तो यहाँ पे जैसे आर ए एम है ना, तो बहुत सारे जो लीडर हैं क्या करते हैं, आर को कैपिटल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक होता है कैपिटल, अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल नहीं, पूरा का पूरा जो है जीमेल आईडी होता है ना वो स्मॉल ही होता है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है वाइट कलर का, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना ये हो जाएगा ब्लू। अब ब्लू हो गया, अब यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ क्योंकि छोटा सा वीडियो है। सबसे पहले स्पॉन्सर पे अपना आईडी नंबर डालना है, ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। जिसके नीचे अगर डालना चाहते हैं तो उसका अगर आईडी नंबर डालेंगे उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके बाद उसका नाम डालना है, इंडिया जो है कंट्री है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अब पासवर्ड डालना है, डिफाइंड पासवर्ड है, उसके बाद जीमेल आईडी है, रीटाइप जीमेल आईडी, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन में क्लिक करना है, और उसके बाद जो है ये पूरा फिलअप होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का जो ऑप्शन है, इस रजिस्टर का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, आर यू सोर टू कंटिन्यू विथ दिस स्पॉन्सर आईडी, मतलब इसी स्पॉन्सर के आईडी ही से ही इसको जो है इसके नीचे ज्वाइन करना है, तो ओके कर दीजिएगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप करेंगे, देखिए एसोसिएट सक्सेसफुली रजिस्टर करके आ गया, फिर इसको आपको ओके में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे जो इसको बोलते हैं वेलकम लेटर, इसका जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए आईडी पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, बाद में ये चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे लाइव कर दे रहा हूँ क्योंकि लाइव अगर होता है तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, तो यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दिया हूँ।
और देखिए यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये जो मैसेज है ना, जो ये मैसेज है वेलकम लेटर है, जिनका जीमेल आईडी होता है वहाँ पे मैसेज चले जाता है। एक बार ज़रूर कंफर्म करें जीमेल आईडी में मैसेज आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप इजी तरीके से जो है आप किसी का भी आईडी अपने थ्रू लगा सकते हो, या आप सपोर्ट करना चाहते हो सपोर्ट भी कर सकते हो। तो शायद वीडियो समझ में आ गया होगा रजिस्टर करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए ITSF के माध्यम से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तौर पे मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।